खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां नगर की सभी मुख्य सड़कों में डामरीकरण का पेच वर्क का काम शुरू हो गया है। नगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की मुख्य सड़कों पर बने गड्ढों से अब लोगों को राहत मिलेगी। वहीं नगर की मुख्य सड़कों में पेच वर्क शुरू होने पर कांग्रेसियों ने खुशी जताई है। अब ऐसे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज का कहना है कि बीते दिनों नगर में सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना दिया था, जिसके दबाव में आकर लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू किया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। दिनांक 24 तारीख को मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता के कार्यालय में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम अल्मोड़ा के शहर की गड्ढा मुक्त सड़कों को दुरुस्त करने के लिए किया गया था। आज उसी का परिणाम है कि आज अल्मोड़ा के शहर में जो है शहर को गड्ढा मुक्त करने के लिए प्रांतीय खंड के द्वारा जो है निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और आज विधायक जी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो है कि गुणवत्ता के साथ जो है ये कार्यों को करना चाहिए, और अगर गुणवत्ता नहीं हुई तो उसके अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज कांग्रेस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो कांग्रेस का धरना था उस धरने का आज एक असर देखने को मिल रहा है, और आज माननीय विधायक जी के का जो सहयोग रहा है उसी के तहत जो है आज अल्मोड़ा में जो है गड्ढे भरने का कार्य प्रांतीय खंड के द्वारा किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है अल्मोड़ा शहर जो है गड्ढा मुक्त हो जाए।